JCI एक्सपो उत्सव 25 साल पूरे होने पर इस बार जो है अगले महीने नवंबर में 24 तारीख से मोराबादी मैदान में मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ JCI के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास इस बार लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि कोरोना के कारण दो सालों से ये मेला नहीं लगाया जा रहा था। इस बार क्या कुछ खास आप लोग लेकर आएंगे राजधानी रांची वालों के लिए? इस वर्ष हमारा एक्सपो उत्सव जो कि 25वां वर्षगांठ है, हर साल के भांति इस वर्ष भी हम इसे मोराबादी में आयोजित करेंगे। ये आयोजन 24 से 28 नवंबर के बीच मोराबादी में आयोजित किया जाएगा। हर साल की भांति जैसे हम देश विदेश के स्टॉल लाते हैं, 300 से अधिक स्टॉल हमारे इस परिसर में लगेंगी। नए में इस बार जो हमारी फूड जोन, कॉरपोरेट हैंगर, जर्मन हैंगर, फर्नीचर जोन, ये सब जो लगती थी, इसके अलावा इस बार जो खास है वो है हम लोग एक नया हैंगर ला रहे हैं अपना घर बोलकर, जिसमें कि रियल स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए हम लोग वो हैंगर लगा रहे हैं। मैदान के बीचों बीच एक नया जर्मन कॉन्सेप्ट ब्रिस्टो कैफ़े हम लोग डेवलप करेंगे, जहां पे सस्ते दरों पे फूड्स अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा हमारे शहर के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग सस्ते दरों पे यंग एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल के लिए कंसेप्ट ला रहे हैं, जहां पे कि वो अपने जो सामान बनाते हैं, जो फ्रेशअप्स हैं, वो अपने सामान प्रदर्शित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है इन मेलों में जो कीमत, जो सामान होते हैं वो काफ़ी दाम इनके ज़्यादा होते हैं कीमत बाज़ार से, तो इस बार क्या कुछ कीमत में क्या क्या चीज़ उपलब्ध रहेंगी? सर, एक्सपो सब तो जाने ही जाता है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमारे मेला में लगते हैं। आप पिछले 24 वर्षों को उठा लीजिएगा तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शॉपिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो हमारे एक्सपो परिसर पे डिस्काउंट रहेगा, क्या डिस्काउंट है? सर, जो भी स्टॉल्स लगाते हैं वो स्पेशल डिस्काउंट चलाते हैं, बुकिंग डिस्काउंट चलाते हैं, कैश डिस्काउंट चलाते हैं, हर तरीका का जो वो कस्टमर्स को लुभावना ऑफर दे सकते हैं वो सारा चीज़ हमारे परिसर में विगत 24 सालों से हो रहा है और इस वर्ष भी होगा। किन किन टाइप के सामान रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा आयोजन में, आकर्षक का जो केंद्र है, क्या कुछ नया करेंगे? 25 साल पूरा हो रहा है हमारा। ऑटोमोबाइल जोन इस बार देखने के एक नया प्रारूप से आएगा, जो कि सेंटर ऑफ द ग्राउंड को पूरा घेर के रखेगा और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और लग्जरी कार के भी जो कारें हैं वो वहाँ पे लगेंगी, जैसे मर्सिडीज़, BMW, स्कोडा, इन सब से बात हो गई है, ये सब की कार वहाँ लगने वाली हैं। अंदर आइटम भी रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी के मैक्सिमम स्टॉल्स जो टू व्हीलर्स के हैं वो वहाँ पे लगाएंगे। जो भी कंपनी से हमारी बात हो रही है वो यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लेकर हम वहाँ पे अपनी गाड़ी का डिस्प्ले ज़्यादा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बार मेले में क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा? कई सारे रियायत भी दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण हम लोग जो है एक्सपो का आयोजन नहीं कर पाए। 2 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा सिल्वर जुबली ईयर होगा और 2 साल के बाद ये सिल्वर जुबली का मौका आया है। हम लोग चाहेंगे ये एक्सपो का सिल्वर जुबली, जो कि कंटिन्यूस 1996 से आयोजित किया जा रहा है रांची में, इसको हम लोग भव्य तरीके से इसका आयोजन करेंगे। बहुत नए नए तरीके के स्टॉल्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारा एक्सपो का 25th ईयर का ब्रोशर लॉन्चिंग है। ब्रोशर लॉन्चिंग के बाद जितने भी नए नए स्टॉल्स हैं वो सब आएंगे। हम लोग एक नया प्रारूप रांची और झारखंड वासी को देना चाहते हैं कि अगर एग्जीबिशन देखना है तो आप आकर के एक्सपो में देखिए। जितने नंबर ऑफ फुटफॉल्स हमारे यहाँ रहते हैं वो किसी और एग्जीबिशंस में नहीं रहते हैं। जितने ऑफर्स यहाँ एक्सपो में रहते हैं वो सारे ऑफर्स किसी और एग्जीबिशन में नहीं रहते हैं। जितने भी रांची वासी हैं वो वेट करते हैं कि कब एक्सपो आएगा, कब एक्सपो का ऑफर आएगा। उस एक्सपो को जा कर के हम लोग उस एक्सपो का आनंद लेंगे, खाने पीने का आनंद लेंगे, घूमने का आनंद लेंगे और जो ऑफर्स कंपनियाँ देती हैं एक्सपो में उस ऑफर्स का आनंद लेंगे। इसकी रांची वासी को वेट थी, 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो पाया। इस साल हम लोग भव्य तरीके से इसका आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। ठंडे के समय होगा ये अगले महीने? हाँ, पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग हर साल कोशिश करते थे कि ये दुर्गा पूजा के पहले होता था, बट इस बार किसी कारणों से हम लोग ने इसे नवंबर में कर रहे हैं। हो सकता है कि मौसम थोड़ा सुहावना होगा, ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना बारिश होगी। ये हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा वेदर रहेगा एक हमारे एग्जीबिशन के लिए। क्या कुछ एंट्री फीस जो है हर वर्ष की भांति हम लोग का 10 रुपये ही है। हम लोग ने एंट्री फीस में कोई वृद्धि नहीं की है। खाने पीने के भी खाने पीने का बहुत सारे स्टॉल्स है, बहुत सारे व्यंजन्स लगेंगे, बहुत सारे कंपनी के स्टॉल्स लगेंगे, फूड स्टॉल काफ़ी रहेंगे, खाने पीने की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के लिए हम लोगों ने एक पार्क प्लान किया, अम्यूजमेंट पार्क।
एक बहुत सुंदर सा अम्यूजमेंट पार्क हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि बच्चे उनके फैमिली लोग आएँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के झूले होंगे, वीडियो गेम्स होंगे, नए नए टाइप्स के जो भी आज के ज़माने के हिसाब से जो बच्चों को जो गेम्स चाहिए अम्यूजमेंट पार्क में, हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ये कॉस्ट होगा? कॉस्ट तो ऐसा नहीं होता है, वो तो जो लोग झूला लगाते हैं या जो रहते हैं उनके हिसाब से जो कॉस्ट रहेगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कॉस्ट रहेगा वो मिनिमम कॉस्ट रहे ताकि किसी को बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़े। कपड़े के भी आइटम्स रहेंगे? कपड़े के भी आइटम्स रहेंगे, हमारे पास एक जो है हैंगर रहता है, पिंक हैंगर, तो जितने भी महिला लोग रहती है, महिला उद्यमी रहती है, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक हैंगर बनाता है जिसमें रेट्स भी थोड़े कम होते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं कि जितने भी महिलाएं होती है उस महिलाओं को जो भी उनके कपड़े का स्टॉल रहता है या महिलाओं से रिलेटेड जो भी स्टॉल रहता है वो डेडिकेटेड पिंक हैंगर्स में ही रहते हैं। झारखंड के लोगों को, झारखंड के छोटे मोटे व्यापारियों को जगह मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग जो है MSME डिपार्टमेंट के साथ हम लोग का टाई अप हो रहा है कि MSME में जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो MSME को अगर अप्रोच करेंगे कि उनको स्टॉल चाहिए तो MSME के द्वारा जो है उनको स्टॉल्स भी दिया जाएगा। उनके लिए क्या कुछ? वो MSME में रहेगा, MSME डिपार्टमेंट जो भी रेट तय करता है उसके हिसाब से एक्सपो में उनको रेट मिलता है, तो उनको जाकर के MSME में अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा और MSME हम लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, उसके हिसाब से उनको स्टॉल मिलता है। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी MSME में जा चुका है। सभी विभागों के सभी स्टॉल? यस। परिचय बता दीजिए। मैं JC अभिषेक केडिया, चीफ कोऑर्डिनेटर सिल्वर जुबली एक्सपो 2022। सभी को देखते हुए, सभी स्टॉल, सभी विभाग को देखते हुए आप लोग रख रहे हैं? हाँ सर। परिचय बता दीजिए। मैं JC सौरभ शाह, अध्यक्ष JCI रांची। तो देखिए इस बार जो है एक्सपोत्सव में क्या कुछ रहेगा, ये तमाम जानकारियाँ JCI के जो है जो भी कमेटी के लोग हैं उन्होंने दी है, तो आप भी इस एक्सपोत्सव का जो 24 नवंबर को अगले महीने होने वाला है उसका जो है अभी से ही इंतजार जो है करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल इस खबर इतना ही, लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।